सब देख रहे हैं NBC 24। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा उसमें हर किसी को नुकसान हुआ, खासकर स्कूली बच्चे जिनका या तो एग्जाम पोस्टपोन होते चला गया या फिर उनके एडमिशन में देरी होती गई। ऐसे में एक बार फिर से जब सब कुछ नॉर्मल होने लगा है तो शैक्षणिक संस्थानों ने भी एग्जाम्स और एडमिशन की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त इंटरमीडिएट के एडमिशन चल रहे हैं, लेकिन राज्य के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की वजह से कई कॉलेजों और स्कूलों में पानी जमा हो गया है, तो इसकी वजह से जो विद्यार्थी है उन्हें वहां जाकर एडमिशन लेने में काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच बिहार सरकार ने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी जानकारी साझा की है। दरअसल एडमिशन की आखिरी डेट जो कि 24 अगस्त तक थी, अब उसे बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया है, यानी कि अब स्टूडेंट्स 31 अगस्त तक इंटर में एडमिशन ले सकेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इंटर में बच्चे अब 31 अगस्त यानी कि अगले एक सप्ताह तक एडमिशन ले सकेंगे। गौरतलब है कि 11वीं कक्षा में सत्र 2021-23 के लिए नामांकन के लिए जारी फर्स्ट लिस्ट के छात्र छात्राओं को 24 अगस्त तक यानी कि मंगलवार तक ही लास्ट डेट दिया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर इस महीने की आखिरी तारीख तक कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि विद्यार्थियों के हित में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन की तिथि को अब दिनांक 21 अगस्त तक विस्तारित कर दिया गया है। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य अपने संस्थान में 31 अगस्त तक नामांकित विद्यार्थियों को OFSS पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेशन 1 सितंबर तक कराना सुनिश्चित करेंगे। बोर्ड के मुताबिक जिन विद्यार्थियों के नामांकन को प्राचार्य द्वारा OFSS पोर्टल पर ऑनलाइन रूप से 1 सितंबर तक अपडेट नहीं किया जाएगा, तो ये समझा जाएगा कि संबंधित विद्यार्थी नामांकन के लिए विद्यालय या महाविद्यालय में उपस्थित नहीं हुए। उन सीटों को रिक्त मानते हुए समिति द्वारा द्वितीय और उसके बाद तृतीय चयन की सूची जारी की जाएगी, जिसमें ऐसे विद्यार्थियों का नाम सम्मिलित नहीं किया जाएगा। भविष्य में सीटों को रिक्त करने से जिन विद्यार्थियों को कठिनाई होगी उसके लिए संबंधित संस्थान के प्राचार्य ही उत्तरदायी माने जाएंगे। ऑनलाइन नामांकन के बारे में विस्तृत जानकारी हेतु सामान्य सूची पत्र और अन्य जानकारी समिति के वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। नामांकन से संबंधित किसी अन्य प्रकार की जानकारी या समस्या से समाधान हेतु हेल्प डेस्क नंबर भी जारी किया गया है। विद्यार्थी 0612-223-0009 पर संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की ओर से ये जारी पहली मेरिट सूची में नामांकन कराने के लिए 3 लाख छात्रों के नाम जारी किए गए हैं। इन सभी छात्रों का एडमिशन तय कॉलेज में हो सकेगा। वहीं अगर छात्र अपना नामांकन किसी और कॉलेज में कराना चाहते हैं तो स्लाइड का प्रयोग कर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में 17 लाख छात्रों का इंटर एडमिशन होना है। बिहार बोर्ड ने इंटर में एडमिशन के लिए 24 अगस्त तक अंतिम तिथि निर्धारित की थी। बिहार में 24 अगस्त के बाद OFSS पोर्टल पर दूसरी सूची भी जारी होने वाली थी, लेकिन अब फर्स्ट लिस्ट वालों के लिए एडमिशन का डेट बढ़ा दिया गया है। बच्चे अब 31 अगस्त यानी कि इस महीने की आखिरी तारीख तक एडमिशन ले सकेंगे। एडमिशन की डेट्स को एक्सटेंड करने से यानी कि 24 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त तक करने से स्टूडेंट्स को काफ़ी राहत मिलेगी। जो स्टूडेंट्स अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए थे, या फिर वो बाढ़ की वजह से हो या फिर वो कोई और निजी कारण की वजह से हो, अब वो एडमिशन ले सकेंगे। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए NBC 24 के साथ। धन्यवाद।